देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कोविड बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। चलिए आज की शुरुआत करते हैं ताज़ा खबरों के साथ। खबर हल्द्वानी से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे करण महरा का। कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में कांग्रेसजनों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं करण महरा ने अपने स्वागत के दौरान स्वराज आश्रम पहुंचे सभी कांग्रेस जानों का धन्यवाद किया। करण महरा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूटे, उसके लिए वो लगातार कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल उठाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। वही एक मजबूत विपक्ष बने हुए उत्तराखंड की बीजेपी सरकार से विकास के मुद्दों को लेकर कांग्रेस की जनता के लिए लड़ाई जारी रहेगी। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत विधानसभा से उपचुनाव लगभग तय होने के सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। अगर चंपावत से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस भी उस सीट से उसी प्रत्याशी पर दांव खेलेगी जो मुख्यमंत्री को हरा सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चंपावत से कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम पर हाईकमान से जल्द चर्चा कर सामने लाने की बात कही है। हालांकि अभी करण महरा ने चंपावत से किसी नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन चुनाव मजबूती से लड़ने की तरफ इशारा जरूर कर दिया है। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। तरीका है कि मैं ग्रास रूट वर्कर को सम्मान दूं, उनकी बातों को ज्यादा सुनूं और उनको लेके काम में लग जाऊं। जब कारवां चलता है तो फिर लोग शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस दौड़ रही होगी, जब हर कार्यकर्ता हर आदमी फील्ड पर देगा तो नई मजबूरी होगी, साथ आगे नहीं होगा तो होगा। देखिए चुनती है निश्चित ही, लेकिन मैं आपको बता दिलाना चाहता हूँ कांग्रेस उसको जीतने हद से पूरी ताकत से लड़ेगी। आपसे पहले भी सवालों में साथ कहा था कि ऑल इज वेल, मैंने हल्के 16 तक पहुंचा दी, 16 लोग कार्यक्रमों में साथ चुके हैं। और ये भी एक दो भाई लोग हैं, ये भी अभी इसमें दिखाई देंगे, क्योंकि शादियों का सीजन है, किसी के कोई तकलीफ है। अब जिसके घर में तकलीफ है मैं उससे कैसे कहूँ, जब मैं 8 रुपए गिनाया था आपको 3 दिन के अंदर सोची दिखा दिए, तो ये भी आ जाएंगे। कोई देखिए मुझे प्रेस से ही पता चला है कि फाइनल हो गया, क्योंकि मैं रात देर पहुंचा हूँ। अभी हिमेश भाई से बात नहीं, वहाँ हिमेश भाई से भी बातचीत की जाएगी, इन्हें वरिष्ठ जन उनसे बात करेंगे। हम रणनीति तक वहाँ का चुनाव लड़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, हमारे पास अभी समय है। सारे सीनियर्स से बात करी जाएगी, हिमेश भाई से करेंगे, जो सबसे उचित लगेगा उसको करेंगे। मैंने कहा ना, पूरी ताकत से चुनाव जीतने की नीयत से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी।